हमारी कॉलेज का सामू है। मैं कक्षा 11वीं विज्ञान संकाय की छात्र हूँ। मैं आज हाइड्रोजन परॉक्साइड की अरेखीय संरचना के बारे में बताने जा रही हूँ। हाइड्रोजन परॉक्साइड एक खुली किताब की संरचना है। हाइड्रोजन परॉक्साइड की खोज एल जे फेनार ने सन 1818 में की थी। हाइड्रोजन परॉक्साइड में दो अवस्था पाई जाती है, गैसीय अवस्था एवं ठोस अवस्था। गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, जिसकी लंबाई 147.5 पिकोमीटर होती है। ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के बीच की लंबाई 95 पिकोमीटर होती है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के बीच बना एंगल 94.8 डिग्री होती है एवं ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के मध्य बना एंगल 111.5 पिकोमीटर होती है। ठोस अवस्था में डॉट डॉट होती है। ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन के बीच 147.5 पिकोमीटर होती है। ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के बीच लंबाई 98.8 पिकोमीटर होती है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के बीच बना एंगल 101.9 डिग्री होती है एवं ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के मध्य बना एंगल 90.2 डिग्री होती है।